नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। डंडे से संवाददाता बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडे प्रखंड में जरही में एक देवर ने भाभी को डायन बताकर पीटा और उसके पिता और मां को माथ और हाथ तोड़ा। भुक्तभोगी ने दिया लिखित थाना में आवेदन। थाना क्षेत्र के जरही गांव निवासी राजेंद्र चौधरी की पत्नी पूनम देवी को डायन बताकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर भुक्तभोगी ने डंडई थाना में लिखित आवेदन देकर जानमाल की सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। थाने में दिए गए आवेदन में राजेंद्र चौधरी व उसकी पत्नी पूनम देवी ने बताया कि शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे घर आंगन में थे। इसी दौरान मेरा देवर सुरेंद्र चौधरी, पिता दयाली चौधरी, ससुर दयाली चौधरी, पिता स्वर्गीय लंगड़ चौधरी, सास सुरती देवी, पति दयाली चौधरी, भरदुल चौधरी, पिता रजभूल चौधरी, अर्जुन चौधरी, पिता भरदुल चौधरी, जगन्नाथ चौधरी, पिता वंशीधर चौधरी, शारदा देवी, पति सुरेंद्र चौधरी, उक्त सभी लोगों ने अचानक मेरे घर आकर डायन बताकर मारपीट पर उतारू हो गए। जब इसका विरोध किया तो उक्त लोगों के द्वारा मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। वहीं बताया गया कि मेरी बहन शारदा देवी, पति रविंद्र चौधरी, कौशल्या देवी, पति सत्येंद्र चौधरी ने भी मेरी पत्नी को लाठी डंडे और टांगी से मारपीट की। जब इसकी जानकारी अपने ससुराल वालों को दी तो बीच बचाव करने पहुंचे मेरे ससुर जयराम चौधरी, सास बचिया देवी को मारपीट कर माथा फाड़ दिया और हाथ तोड़ दिया गया। बताया कि थाने में लिखित आवेदन देने के बाद उक्त सभी व्यक्तियों के द्वारा हम लोगों को जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। हमारा लड़की के तबीयत खराब था नतनी के, इसके बाद ये लोग फोन किया। फोन करने के बाद हम गए देखे कि लड़की मैंने ठीक था। इसके बाद हमारा को बढ़ने किया है, वहाँ गए और इसके बाद हमारा बेटी को लोग डाइन करके हम मार के पार दिया था। इसके बाद हमारा दामाद फोन किए कि आइए यहाँ देखिए मार दिया। तो हम गए तो पूछने लगे कि भाई कैसे कैसे मार कुछ हुआ। तो हम इसके बाद बोले कि चलो थाना पर चलते हैं। इसके बाद हम गाड़ी घुमाए और इसके बाद ये लोग उन्हें से दारू पी के आया, 3-4 को लंठ ले ले और इसके बाद मान लीजिए हमारा परिवार किया और मार के गिरा दिया। गिराने के बाद हम लोग बेहोश हो गए। इसके बाद पता नहीं किधर वो लोग चल गया। फिर आपका दामाद, दामाद हमारा आए उस जगह, दामादों का तो मार गिरी दिया था। तो होश में थे, बेहोश में? बेहोश में थे उतर जो। अच्छा, दामादों आपका पत्नी? पत्नी भी बेहोश था। उसको तो पानी पत्थर मान लीजिए कि मंगवाया गया दिया सब पानी पत्थर। कुछ देरी के बाद उसको होश हुआ तो हम लोग थाना पर गए। मैंने वो भी छुड़ाने में थी, छुड़ाने में मार के गिरा दिया। ठीक, और इससे कोई विशेष? हाँ, विशेष थाना पर गए तो थाना प्रभारी बोल रहा है कि जा जा जमीन बेचा जाएगा, ये कुछ नहीं होगा इससे। ठीक, आओ आगे। आओ क्या बोला? आगे बोला कि अरे जमीन बेचा जाएगा, तू लोग कुछ होगा नहीं से जाओ, तू लोग केस खत्म हो गया। नहीं, सुनवाई नहीं किया। सुनवाई नहीं किए और हमारा कपार में टंका पड़ा है 8 को, हमारा पत्नी के भी 8 को टंका पड़ा है। आपका दामाद भी फ्रैक्चर हो गया है? दामाद का पूरा फ्रैक्चर हो गया है। ठीक, हमारा आपका लड़की के? हमारा भी हाथ फ्रैक्चर है, हमारा लड़की के भी कपार में पूरा चोट है। ठीक है, कान से ब्लड दे रहा है। ठीक, वहाँ जब आपको वार किया, जब जो आदमी आपको सब आपको पहचान रहे हैं आप? हाँ, पहचानते हैं। किसका कौन कौन था? दयाली चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, भरदुल चौधरी, जगन्नाथ चौधरी के 4 आदमी के हम चिन्हते हैं। वो लोग मैंने नशा में था, दारू पे मोटरसाइकिल से लाठी के साथ था। वार किया तुरंत, मरना ही लगा, टांगी टूसा पखल से तुरंत एकदम मारिए मरबे किया, गिरा दिया मार हमको भी। और मैंने आपका पत्नी भी वही लोग मारा? पत्नी के भी वो लोग भी मार के गिरा दिया। अब दामाद आप थे का था वो जगह? दामाद थे तो भाई अलग थे, वो गिरल थे। अच्छा, वो भी तो जानते होंगे किसी को थोड़ा बहुत? हाँ, चिन्हते हैं गाँव को। तो भाई वो भी थोड़े तो बताए किसको किसको पहचानते हैं? दयाली चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, भरदुल चौधरी, जगन्नाथ चौधरी, अर्जुन चौधरी, उन लोग भी था। उन लोग आया पी खा के और एकदम आया थे, स्टार्ट कर दिया गाड़ी डेडी किया मेरा ही दूरा पर, अब एकदम वार कर दिया पखल डंडा टांगी। अच्छा, और उसमें कुछ मैंने पहले से विवाद था? पहले से तो विवाद नहीं था। अच्छा, मैंने डायरेक्ट मारना ही शुरू कर दिया? डायरेक्ट मारना ही शुरू किया है। आपको पत्नी भी कुछ किया था कि उसको कुछ लोग किया? नहीं, मेरे पत्नी के डैन कह के मेरे पत्नी को मारने लगा तो हम बैठे बाजार दिन, तो बाजार दिन थे तो फोन किए मेरे मैया। पत्नी में के जिस लोग था कि लेडीज? जेंट्स था, लेडीज था, लेडीज था, जेंट्स था, मैंने सब मिल के ही मारा। पहले उसी को वार किया? हाँ, पहले उसी को वार किया। इसका बाद ये लोग जो थे जैसे जराम चौधरी हो गए,
बचिया देवी हो गया, ये लोग कहाँ थे पहले था? ये तो बड़की बेटी घर थे। किसको यहाँ? डोमन चौधरी घर यहाँ। अच्छा, डोमन चौधरी घर यहाँ था। मेरा यहाँ मारने लगे, मेरे पत्नी को भी मारने लगे, तो फोन किए कि ऐसा ऐसा हो गया घटना, मार के पार दी है। तो फोन करने के बाद ये आए देखने, देख के बोले कि चलिए चलते हैं। तो गाड़ी घुमाने लगे, गाड़ी घुमाने लगे तो ये बोल्डर लाठी डंडा यही कहाँ चलने लगे, डंडे थाना जा रहे थे कि ऐसा हो गया घटना, तो चलो उसी पर वार किया। मैंने लोग यही भी मारना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, मार के बोल्डर से कान कपार फाड़ दिया, कपार फाड़ दिया। सबका साथ सबका विकास, मेराल प्रखंड ग्राम सोहबरिया के तिनार पंचायत से मुखिया पद के सुयोग्य कर्मठ शिक्षित मिलनसार भावी मुखिया उम्मीदवार मनोज कुमार चौधरी को आने वाले चुनाव में भारी से भारी मतों से विजयी बनावे एवं अपने क्षेत्र के चहुमुखी विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दें।